सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी वन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। दो पति पत्नी जो कि स्पेन के गरीब इलाके में रहा करते थे, जिनका घर बहुत छोटा था और वो घर उस इलाके के मेन रोड के बेहद पास था। इस जोड़े की दो बेटियां भी थीं और वो दोनों जुड़वा थीं। जैसे जैसे वो जुड़वा बहनें बड़ी हुईं, उसके साथ ही दोनों बहनों में प्यार भी बढ़ता रहा। दोनों ही लड़कियां बहुत अच्छे स्वभाव की थीं। दोनों एक दूसरे से कभी लड़ाई या बहस नहीं करती थी और वो दोनों ही हमेशा खुश रहते थे। इन लड़कियों का सबसे बड़ा डर था एक दूसरों से अलग होना। एक दिन उन बच्चों की माँ को कुछ सामान खरीदना था। वो उन बच्चों को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उन बच्चों को भी साथ ले लिया। दुकान की तरफ जाते हुए जब उस मेन रोड को पार करने की बारी आई, गलती से बच्चों की माँ ने उन दोनों जुड़वा बहनों का हाथ छोड़ दिया और थोड़ा आगे निकल गई। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक दर्दनाक टक्कर की आवाज सुनाई दी। उन बच्चों की माँ जब पीछे घूमी तो अपनी मरी हुई लहूलुहान बेटियों को देखकर चीख उठी, लाते हुए कहने लगी कि गलती मेरी है। 4 साल तक वो दोनों पति पत्नी वही रहे। कुछ समय के बाद उस औरत को फिर से दो जुड़वा बेटियां हुई। चूंकि माता पिता को इस चीज पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, उन बच्चों की माँ ने अपने बच्चों पर अतीत की बातों का साया पड़ने नहीं दिया और कभी भी घर पर अपने पहले बेटियों का जिक्र नहीं किया। एक दिन फिर से उन बच्चों की माँ को पास के दुकान जाना था और इस बार भी दोनों जुड़वा बहनें अपने माँ के साथ ही गईं। जब रोड पार करने की बारी आई तो उन बच्चों की माँ ने अपने बेटियों के हाथों को बहुत जोर से पकड़ लिया। लेकिन रोड पार करने से पहले जुड़वा बहनों ने अपनी माँ से एक ऐसी बात कही जो कि उनकी माँ मरते दम तक नहीं भुला पाई, और वो बात थी कि माँ, हम दोनों फिर से नहीं मरना चाहते। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ। इसी चीज की वजह से आज के जमाने में किसी के मरने पर उसका क्रिया कर्म करवाया जाता है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है वो इंसान आपको डराने के लिए वापस लौट आए।